गाइस, आप लोग कैसे हैं? सब कोई को सुबह सुबह जुआर। तो आज देखिए क्या दिखा रहे हैं आप लोगों को। बाल्टी में हम पुई का साग लगाए हुए थे, तो आज घर में मतलब सब्जी नहीं है ना, तो इसलिए आज इसी को बनाएंगे सोच रहे हैं। अकेले का तो अच्छे से हो जाएंगे, तो चलिए आप लोग नहीं देखे हैं तो पुई का साग आप लोगों को दिखाएंगे कितना अच्छा बाल्टी में हम लगाए हैं। मतलब क्या बोलते हैं, नीचे में मतलब छत के ऊपर में लगाए हैं, तो नीचे में जगह खाली नहीं है। तो चलिए आप लोग देखते देखिएगा और कैसे वाला है पुई साग आप लोगों को दिखाएंगे। इस प्रकार से होता है, लंबा लंबा इला तैयार हो गया है, तो यहाँ से अभी हम तोड़ेंगे। कितना यह हो गया, हो भी नहीं रहा है। हो गया। फिर इधर भी तोड़े थे, ईला तो मतलब तैयार नहीं हुआ है, तो एक बार तोड़े थे तो इसको बढ़ने दो। फिर ईला भी तैयार हो गया है। इधर काली पत्ता लगाए हैं, उधर पुई का साग भी लगाए हैं। देखिए इस प्रकार से है, तो आप लोग मतलब खाए हैं कि नहीं खाए हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। यदि आप लोग नहीं खाए हैं तो मेरा घर आ जाइएगा, आज आप लोगों को पुई का साग खिलाएंगे कैसे लगता है। तो चलिए हम लोग बनाते हैं और आप लोगों को दिखाते हैं पुई का साग, मतलब देसी तरह का बनाएंगे, मतलब सिंपल बनाएंगे। तो आप लोग कैसे बनाते हैं तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा। तो चलिए हम लोग पुई साग अभी बनाएंगे और दिखाएंगे आप लोगों को। तो अभी इसको काटेंगे, चलिए आप लोगों को काटना दिखाएंगे कैसे काटते हैं बोल के। तो यहाँ पर बारीक से काट लिए हैं, आप लोगों भी ऐसे ही काटिएगा छोटा छोटा। तो इसे भी आप लोग छोटा छोटा करना चाहते हैं तो कर लीजिएगा। तो यहाँ पर हम अभी दो आलू मिलाएंगे काट करके, तो आप लोग मिलाना चाहते हैं तो मिलाइए, नहीं तो नहीं। अभी इसको अच्छी तरह से धो लेंगे। तो यहाँ पर अभी हम सरसों का तेल डालेंगे, इसको अच्छी तरह से गर्म होने दीजिए। फिर यहाँ पर एक मिर्च डालेंगे, यदि आप लोग खाते हैं तो डालिए, नहीं तो नहीं। फिर इसके बाद प्याज डालेंगे, फिर इसको अच्छे से चलाएंगे। इसको पूरा ब्राउन ब्राउन होने दीजिए, जैसे हल्का हल्का होता है उस प्रकार से होने देंगे। उसके बाद साग को डालेंगे, तो अभी लगभग ब्राउन हो गया है। ढक्कन लगा देंगे 5 मिनट तक, ताकि जल्दी पके बोल के। तो यहाँ पर दीजिए आप लोग नमक स्वादिष्ट अनुसार, आप लोग जितना खाना चाहते हैं नमक अपना डालिएगा। फिर 5 मिनट के लिए ढक्कन लगा देंगे। पाँच मिनट हो गया होगा, चलिए देखते हैं, देखिए कितना अच्छा लग रहा है, लगभग पकने वाला है। तो अभी इसमें डालेंगे हम लोग हल्दी, उसके बाद मसाला,
कोई साग ऐसा साग है जो हल्दी भी डाल सकते हैं, मसाला भी डाल सकते हैं, इसमें आप लोगों का मर्जी। तो इसमें थोड़ा हम हल्दी डालेंगे, ज़्यादा मत डालिएगा नहीं तो पूरा हल्दी हल्दी महकेगा। फिर इसमें डालेंगे मिक्स सब्जी, सब्जी मसाला, फिर इसको अभी अच्छी तरह से चलाएंगे। इसको फिर 5 मिनट के लिए फिर ढक्कन लगा देंगे। यहाँ पर अभी टमाटर डालेंगे, यदि आप लोगों के पास होगा तो डालिएगा, नहीं तो नहीं, अगर आप लोग खाते हैं तो डालिए, नहीं तो नहीं, है ना। तो फिर इसको अभी अच्छी तरह से चलाएंगे, लगभग अभी तैयार हो गया है। तो फिर अभी इसको 2 मिनट के लिए ढक देंगे ताकि टमाटर पक जाए। टमाटर सब अभी पक गया है, तो हो गया है लगभग। अभी देखिए कितना अच्छा लग रहा है, देखिए पक गया है ना। तो आप लोगों को मेरा पूरी साग का सब्जी बनाने का तरीका कैसा लगा तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। यदि सब्जी तैयार हो गया है तो आप लोग भी खाना चाहते हैं तो मेरा घर आ जाइएगा। आप लोगों को या डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को मेरा एड्रेस दे देंगे। तो ठीक है, बाय, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।